अब हम लोग मूव करते हैं शाफ्ट पे। शाफ्ट में हमारे पास लॉन्ग बोन है, तो इसके टिपिकल फीचर्स हैं कि 3 सर्फेसेज हैं और 3 बॉर्डर्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बॉर्डर इसमें है, एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द लैटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस, ये एक्सटेंड कर रहा है डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे ये टिबियल डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है, और नीचे जाके ये हमारे पास इनडिफ्रेंशिएटेबल हो जाता है क्योंकि ये राउंडेड हो जाता है। अब हम लोग आगे मूव करें तो ये हमारे पास है लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर हमारे पास लोअर एंड में विजिबल होगा, अपर एंड में ये राउंडेड हो जाएगा। लोअर एंड में ये एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द लैटरल एपिकोंडाइल एज लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, और ये एक्सटेंड करेगा अपवर्ड में मिडल में आके ये इसको इंटरसेक्ट करी होगी रेडियल ग्रूव, यहाँ पे रेडियल ग्रूव है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब हम लोग आगे जाएं तो मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर की बात करें तो वो एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल, और ये इसकी जो अपर एक्सटेंशन है वो बन रही होती है मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस, ये एक्सटेंड कर रहा है बीच में आके इस अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, राउंडेड हो जाता है, और फिर नीचे जाके ये प्रॉपर सुप्राकोंडाइल मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज का पार्ट बना रहा है। अब हम इसकी सर्फेसिस पे आ जाएं तो जो सर्फेस हमारे पास एंटीरियर अब हम सर्फेसिस पे आ जाएं तो जो सर्फेस हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में है वो हमारे पास एंटीरियो लैटरल सर्फेस है। एंटीरियो लैटरल सर्फेस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। अब हम लोग मज़ीद आगे मूव करें तो जो सर्फेस लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में प्रेजेंट होगी वो हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस है। पोस्टीरियर सर्फेस की एक खास बात है कि उसमें से स्पाइरल ग्रूव या फिर रेडियल ग्रूव उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर अब हम मज़ीद आगे मूव करें तो मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के जो दरमियान में सर्फेस है वो एंटीरो मीडियल सर्फेस है। अब हम लोग इसके लोअर एंड पे मूव करें तो लोअर एंड में हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं इसको, आर्टिकुलर सर्फेसेस और नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेस दो तरह की है हमारे पास, एक हमारे पास कैपिचुलम है जो राउंडेड सर्फेस है और ये हमारे पास आर्टिकुलेट करी होती है रेडियस के हेड के साथ, और एक हमारे पास पुली शेप सर्फेस है ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया की खास बात यह है कि इसका जो मीडियल साइड होती है वो 6 मिलीमीटर प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड होती है ताकि कैरिंग एंगल बन सके। अब हमारे पास ये होगी दो आर्टिकुलर सर्फेसेस। नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस 7 है, एक हमारे पास है लैटरल एपिकोंडाइल, लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइलर रिज, कोरोनॉइड फॉसा, रेडियल फॉसा और ओलेक्रोनॉन फॉसा। कोरोनॉइड फॉसा एंटीरियर सर्फेस ऑफ द ट्रॉक्लिया के सुपीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, जो रेडियल फॉसा है वो हमारे पास कैपिचुलम के एंटीरियर सर्फेस के सुपीरियरली प्रेजेंट है। ये हमारे पास ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ये हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस को अकोमोडेट करेगा, और ये हमारे पास रेडियल रेडियस के हेड को अकोमोडेट करता है। देन हम लोग बात करें मीडियल एपिकोंडाइल की, तो ये हमारे पास मोर प्रोजेक्टेड है देन लैटरल एपिकोंडाइल, और ये सबक्यूटेनियस है, इसके ऊपर मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। अब लैटरल की साइड पे आ जाएं हम तो लैटरल भी हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, और पीछे हमारे पास प्रेजेंट है एक बड़ा फॉसा ओलेक्रोनॉन फॉसा, ये हमारे पास अल्ना के हेड को ओलेक्रोनॉन प्रोसेस को एकोमोडेट करता है, और ये एक्सटेंशन में अल्ना का जो ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है वो इसमें पूरा का पूरा इंसर्टेड होता है।